तो टिकरी बॉर्डर पर सेना के पूर्व जवान भी किसान आंदोलनकारियों के समर्थन करने के लिए पहुंचे। सेना के पूर्व जवानों से बात की वहां संवाददाता तरुण कालरा ने। टिकरी बॉर्डर पर सेना के पूर्व जवानों का भी किसान आंदोलन को समर्थन मिलता जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम सेना के पूर्व जवान हैं जो इस मुहिम में शामिल होने के लिए आए हैं। बापा जी, आप क्यों आए हैं और किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? देखो जी, जो साढ़े देश के उत्ते भीड़ पई सी उस टाइम के प्रधानमंत्री ने एक नारा लाया सी जय जवान जय किसान। अज साडे किसान दे उत्ते भीड़ पई है और उस टाइम के उत्ते जो नारा लाया सी जवान का काम सी साडियां बाहरलियां ताकतां नूं रोकना और किसान का काम सी जिन्नी भी जमीन पई हुई है उस विच बीज बोझ के उन्हें पैदा करके देश के अन्न भंडार भरने और जिहड़ी साडी पब्लिक दा ढिड भरना। पर जिहड़ियां अज दियां सरकारां जां खास करके मोदी सरकार है इन्हें पहला जवान नूं मारिया, अज किसान नूं मारिया, कल नूं इह मजदूर नूं भी मारन वास्ते जा रहा क्योंकि एक देश एक कार्ड बना रहा राशन कार्ड ये और जिहड़े साडे किसानां वास्ते एक देश एक मंडी बना रहा है जिहड़ा ये जवानां वास्ते ने वन रैंक वन पेंशन नहीं दिता। असीं वो जिहड़ी वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा नहीं उठाउणा चाहुंदे। अज असीं कल्ले किसान दे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े हैं, किसान की लड़ाई लड़ांगे जिन्ना तिकर जिन्ने ये कानून पास किए हैं, तीन कानून आरएस पंच किए हैं, जिन्ना तिकर लोग सभा दे विच राज सभा दे विच राष्ट्रपति तो वापस कौन वास्ते ये सैन नहीं करवाउंदा कि असीं वापस लैंदे हैं, उन्हां तिकर असीं किसान यूनियन दे नाल किसान वीरां दे नाल मजदूर वीरां दे नाल असीं मोढे नाल मोढा ला के खड़े रहेंगे, उन्हां तिकर दिल्ली छड्ड के वापस नहीं जावांगे भावें दी साडी जान कुर्बान हो जावे। ये सम्मान के प्रतीक हैं जो ये मेडल्स इन पूर्व जवानों ने अपने सीने पर लगाए हुए हैं। एक तरफ सेना के मेडल्स हैं और दूसरी तरफ भारत किसान यूनियन के बिल्ले लगे हुए हैं, दोनों पलड़े भारी हैं जी। एक किसान दे बेटे हैं, किसान का बिल्ला लाना भी साढ़े वास्ते बहुत जरूरी है। जो ये मैडल लगे है आर्मी सर्विस की है अलग अलग जिथे जड़िया जगह पर रह के आए हैं उस चीज़ का सानू ये मैडल मिलते हैं। मौजूदा जवान तो आप लोगों को रोक भी रहे हैं टिकरी बॉर्डर पर, चार लेयर की बैरिकेटिंग की हुई है, अगर क्रॉस किया तो कार्रवाई होगी? नहीं, वो भी जो हमारे मतलब साढ़े भाई है जेडे बॉर्डर इतने जो ड्यूटियां कर रहे हैं कोई यह जी गल नहीं, क्योंकि सरकार का भी चलो ड्यूटी कर रहे मनना है, पर एडा भी है नहीं कि साढ़े तो कोई इन्ना मतलब प्रेसर पाँगे कि सानू रोकणगे, क्योंकि सरकार का भी असल सरकार ही मन जाएगियाँ कोई यह जी दिक्कत नहीं कि उन्होंने यह जी ऑर्डर ही नहीं दिते जाएंगे कि तुम किसानों इस तरह रोको इस तरह वही जे, क्योंकि देखते आ रहे हैं कि नरम है सरकार नरम है, क्योंकि उन्होंने पता है अगर जे इन्हों कोई इस तरह का कोई कर दिता गया तो बहुत ज़्यादा व्डा मतलब इस चीज़ का बन जाएगा। इस करके उन्होंने भी सरकार भी पता है और जो साडे जवान जो डटे हुए है उन्होंने दिलों भी किसानों के प्रति, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी हद तक जो किसान जो अपने ड्यूटियां कर रहे हैं बार्डर से जवान ड्यूटियां कर रहे हैं साढ़े इतने पंजाब पुलिस ड्यूटियां कर रहे हैं वो साढ़े किसान और मजदूरों के ही बेटे हैं जो कि मतलब साढ़े नाल है। कई लोग अवार्ड अपना वापसी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें सम्मान सरकार का नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि आप भी सेना के पूर्व जवान रहे हैं, तमाम तरह के मेडल्स आपके पास हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसानों का आंदोलन? सर, वो जो आज अवार्ड वापस कर रहे हैं ना, खास करके जो पॉलिटिकल आदमी है, वो 2022 के लिए कर रहे हैं, वो हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। उनका सिर्फ एक ही ख्वाब है, सपना है कि 2022 के हम थोड़ी सी अपनी जान बचा सकें। हम उनको बिल्कुल ख़त्म कर कंडेम करते हैं, हम नहीं उसकी सपोर्ट करते। हम किसानों के बेटे हैं, किसान के लिए ही मरेंगे मिटेंगे यहाँ रहेंगे और मेडल भी वापस करेंगे जी। नहीं, मेडल भी वापस करेंगे हम, अगर अगर जरूरत पड़ी तो हम खुद हाँ। वो तो ड्रामा कर रहे हैं ना, हम ड्रामा नहीं करेंगे, हम फेंक के जाएंगे। आप देख सकते हैं ये पूर्व सैनिकों की भावनाएं हैं जो कि किसानों की तरफ ज़्यादा झुकती हुई दिखाई दे रही हैं। ये आंदोलन अलग अलग छोर से केंद्र सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है। टिकरी बॉर्डर से कैमरामैन आकर ठाकुर के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़।